ऑस्ट्रेलिया में हो रहे भारतीय मूल के लोगों पर हमले को देखते हुए शिवसेना ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को कड़ी चेतावनी दी है। बाल ठाकरे ने सामना में लिखा है कि शिवसेना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को तब तक मुंबई और महाराष्ट्र की धरती पर उतरने नहीं देगी जब तक कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों पर हमले रुक नहीं जाते। बाल ठाकरे ने सामना में यह भी लिखा है कि भारतीय खिलाड़ियों पर हमले रुकने तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई भी मैच मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं होने दिया जाएगा। बाल ठाकरे ने सामना में अपने लेख में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को भी लताड़ लगाई है। वो लिखते हैं कि ये शर्मनाक है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले होते हैं और हमारे खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप निभा रहे हैं। बाल ठाकरे के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों में ना तो अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट है और ना ही राज्य या देश के लिए। बाल ठाकरे ने दूसरे राज्यों से भी अपील की है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आने पर बैन लगाएं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में लगातार भारतीय छात्रों पर हमले हो रहे हैं, लगातार विरोध किया जा रहा है उसका, और अब शिवसेना ने एक अलग ढंग से इसका विरोध करने का सोचा है। उन्होंने साफ साफ कहा है, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में साफ साफ कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भारत मुंबई नहीं आने दिया जाएगा, और उन्होंने ये भी अपील किया है कि दूसरे राज्य भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को अपने राज्य में आने पर बैन लगाएं। एक तरफ शिवसेना सुप्रीमो विदेशी खिलाड़ियों के देश में आने का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी मराठी मुद्दों के लिए अंग्रेजी में आंदोलन कर रही है। ताजुब की बात तो यह है कि यह अनजाने में नहीं हुआ है, शिवसेना के नेता अंग्रेजी भाषा की तारीफ करते नहीं थकते। मराठियों की पैरोकार शिवसेना को शायद लगने लगा है कि मराठियों के हितों के लिए नारे अंग्रेजी में लगाने पड़ेंगे, और यही वजह है कि वो बजाय मराठी में अंग्रेजी के स्लोगन बोलकर लोगों का ध्यान अपने आंदोलन की तरफ खींच रही है। हम लोग सब इंग्लिश में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब पढ़े लिखे। देखो ये अनिल देसाई हमारे जनरल सेक्रेटरी है, तो उनका इंग्लिश इतना अच्छा है, वो काफी स्पीच भी इंग्लिश में अच्छा देता है। भाषा पर सियासत करने वालों ने अपनी भाषा तो बदल ली लेकिन मुद्दे वही पुराने। महाराष्ट्र में मराठियों को 100% नौकरियों में प्राथमिकता, राष्ट्रीय बैंकों में मराठियों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती वगैरह वगैरह, लेकिन मुद्दों पर मुस्तैद इस पार्टी की अपनी जुबान फिसलने लगी है। लिहाजा ऐसे में एमएनएस अगर फिर से इस मुद्दे को उड़ा ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा स्थानिक भाषा और स्थानिक मुद्दों को लेकर ही उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, और ऐसी पार्टी का अंग्रेजी का सहारा लेना सचमुच आश्चर्यजनक है। अभिषेक चौधरी, मुंबई, आज तक।